पूछता हूँ भाई, आप कैसे यहाँ पे आए थे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या? मुंबई तो मैं भाग के आया था, गांव से मैं भागा था, तो ये सोच कर भागा था कि मैं जाऊंगा तो फिल्म लाइन में ही काम करूंगा, चाहे जो भी काम मिलेगा मैं करूंगा। क्या किया, गोरेगांव स्टेशन पे वहीं पे सोता था, वहीं पे रहता था। देखिए जब मैं भाग के आया था मुंबई से तो मेरे पास मात्र 766 रुपया था। और सच बता रहे हैं, हम तो इतने पतले दुबले हैं तो भी इन गलियों में दोस्तों सही से नहीं चल पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो फिलहाल दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाले हैं जहाँ पे पूरा एक तरफ फिल्म सिटी है और दूसरी तरफ दोस्तों पूरा झोपड़पट्टी है। बोले तो दोस्तों मैं जहाँ पे आज जाने वाला हूँ वहाँ पे एक तरफ ना सारे जितने बड़े बड़े सेट्स हैं वो बने हुए हैं और दूसरी तरफ झोपड़पट्टी है। तो ज़्यादा दोस्तों मैं आपको सस्पेंस पे ना रखते हुए मैं आज जाने वाला हूँ गोरेगांव के लिए। गोरेगांव में दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ का लाइफ स्टाइल, और हो सकता है अगर दोस्तों लोगों से बातचीत होती है और अगर किसी के घर में जाने का मौका मिलता है तो मैं आपको घर में जाके लोगों का लाइफ स्टाइल दिखाऊंगा और भी कई चीज़ें दिखाने की मैं आज कोशिश करूंगा। तो फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर और उसके बाद दोस्तों हम मिलते हैं डायरेक्ट आपको सीधा गोरेगांव में। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम गोरेगांव रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन, काफ़ी दोस्तों प्यारा सा रेलवे स्टेशन लग रहा है। लेकिन दोस्तों फिलहाल ये रेलवे स्टेशन जितना प्यारा है और जहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, जो घर दिखाने वाला हूँ और लोगों का लाइफ स्टाइल दिखाने वाला हूँ, तो दोस्तों उससे भी खतरनाक है। गोरेगांव वेस्ट में हम जाएंगे और गोरेगांव दोस्तों इसलिए भी फेमस है कि अगर आपको पता होगा यहाँ पे फिल्म सिटी है। बोले तो जो बड़ी बड़ी मूवियों की शूटिंग्स वगैरह होती हैं यहीं पे वो सारे सेट वगैरह बनाए जाते हैं गोरेगांव में, और गोरेगांव में ही दोस्तों वो सारी गरीब जनता रहती है जो यहाँ पे आती है दोस्तों हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, और वो किस हाल में रहते हैं मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक बंदा है जो कि इसी तरह का है, मैं उससे आपको मिलाऊँगा और वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा गोरेगांव वेस्ट में, करीबन यहाँ से 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, तो हम चलते हैं ऑटो पकड़ते हैं और मिलते हैं सीधा आपको वहीं पर। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम गोरेगांव में थे और मैं आपको यहाँ का घर दिखाने वाला हूँ, कुछ किस तरह के घर होते हैं। गलियाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से पतली पतली गलियाँ हैं, और सच बता रहे हैं हम तो इतने पतले दुबले हैं तो भी इन गलियों में दोस्तों सही से नहीं चल पा रहे हैं। तो अभी हम आपको दोस्तों दिखाते हैं इन गलियों में रूम कैसे होते हैं। तो एक भाई अभी मुझे मिले हैं, वो अपना रूम दिखाने के लिए बात हुई उनसे, तो उनके रूम पर चलते हैं, उनका रूम देखते हैं। हेलो हेलो, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? क्या नाम है आपका? चलते हैं दोस्तों फिलहाल हम आपको घर दिखा देते हैं। तो एक भाई मिले थे मुझे जो मेरे फिलहाल साथ के हैं, तो उनसे मिलते हैं और आ गए। हाँ हाँ, चलिए ऊपर, ये भाई आ जाइए ऊपर, आ जाइए। तो फिलहाल दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इन झोपड़पट्टियों के घर होते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको गलियां भी दिखाई थी, कितनी पतली गलियां थी यार, वो यकीन नहीं करोगे ना, अगर मोटा आदमी हो ना भाई, पक्का मैं गारंटी देता हूँ वो नहीं आ पाएगा। इस तरह से दोस्तों सीढ़ियां होती हैं, देख सकते हो पतली पतली दोस्तों सीढ़ियां होती हैं। और ये घर है भाई साहब का, ये देख सकते हो दोस्तों, छोटा सा किचन है और ये वाशरूम है। अगर दोस्तों इनको 2 नंबर के लिए जाना होगा कहीं वाशरूम वगैरह जाना होगा, वैसे आपको एक बात और मैं बता दूं, यहाँ के 80% लोग डब्बा उठा के ही बाहर जाते हैं। मतलब दोस्तों घर तो इनका इस तरह से छोटा सा कमरा रहता है, देख सकते हैं भाई साहब इधर हैं, इस तरह से दोस्तों घर रहता है। ये सारी चीज़ें मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, और जो बंदे लोग जाते हैं वो डब्बा ऐसे उठाते हैं, वो डब्बा किधर है भाई? हाँ, इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं डब्बा टंगा हुआ है, ये डब्बा देख रहे हैं ना, ये डब्बा लेके जाता है बंदा बाथरूम के लिए बाहर, और नहाने धोने की एक्टिविटी दोस्तों यहाँ पे करते हैं लोग, नहाना वहाँ करें। फैमिली अगर रहती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पानी का स्टोरेज जो करते हैं, इस तरह से छोटी छोटी टंकियाँ रखी हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ की बालकनी है, और बालकनी भी देखिए कैसी है, कुछ इस तरह से दोस्तों है इधर। तो ये है दोस्तों असल में मुंबई की ज़िंदगी। और दोस्तों जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आपको पता है ये कौन सी जगह है?
ये गोरे गांव है। और गोरे गांव जानते हैं दोस्तों क्यों फेमस है? फिल्म सिटी के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मूवियों की शूटिंग्स होती हैं उन सभी का सेट अगर आप देखना चाहते हैं तो सब गोरे गांव में ही मिलेगा। और ये जो मैं घर दिखा रहा हूँ दोस्तों, स्पेशली ये गोरे गांव का घर था, तो हमारे जय भाई का दोस्तों मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें अपना घर दिखाया। तो मैं इनसे पूछता हूँ इनके स्ट्रगल के बारे में, ये यहाँ पे कैसे आए थे और इनकी क्या जर्नी रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत दोस्तों हम जान लेते हैं यहाँ के रहने वाले के बारे में भी। वैसे फिलहाल दोस्तों मैं भी झोपड़पट्टी में ही रहता हूँ, लेकिन मैं कुरजा में रहता हूँ और ये गोरे गांव में रहते हैं। और यहाँ का जो घर दिखाने का पर्पज मेरा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी दोस्तों फिल्म सिटी है और दूसरी तरफ दोस्तों इस तरह से झोपड़पट्टी है कि जहाँ पे रहना मुश्किल होता है लेकिन मजबूरी भी होती है। तो भाई बताना चाहेंगे इस रूम के बारे में, ये रूम का किराया वगैरह कितना? तो दोस्तों ये रूम है जो कि भगत सिंह में है, भगत सिंह एक नंबर में। और भाई ये रूम का भाड़ा तो बहुत ज़्यादा है, कितना है? 5,000 रुपये भाड़ा है। हाँ। और बिजली बिल और पानी का अलग से लगता है, जो कि पानी का लग जाता है 500 रुपया और बिजली बिल वही 300-400 इससे आता है बस। और पानी भरने का व्यवस्था है तो इसमें हम लोग भरते हैं, जिसमें नहाने वाले के लिए हो गया, बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए इसमें हम लोग। अच्छा, ये खाना बनाने के लिए पानी कहाँ से लेकर आते हो भाई, खाना बनाने के पानी के लिए? ये इधर से, जैसे मैं बताता हूँ ये पाइप है ना, इधर से। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उधर से हम लोग जाकर डालते हैं, इधर से पानी आता है इसमें भरते हैं। अच्छा, इससे भर देते हो? अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देख सकते हैं इतना छोटा सा रूम है, मैं आपको यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, ये किचन जितना होता ना, किचन से भी ये छोटा है अगर सही मायने में देखेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं, मैं पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ घर अभी एग्जैक्टली दोस्तों, मैं साइज़ के हिसाब से तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना साइज होगा। इतना छोटा सा घर है दोस्तों, इसका किराया 5,000 रुपये है और ये भाई 5 लोग रहते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं भाई? 5 लोग रहते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पानी भरना, सुबह उठ के पानी भरना, लाइन में लगाना, और मात्रम 10 मिनट ही पानी मिलता है, 10 मिनट में ही इसको भरना है कैसे भी, इससे ज़्यादा पानी नहीं मिलता है, 10 मिनट 12 मिनट पानी। और भाई अगर मान लो अगर 2-4 मिनट लेट हो गए तो फिर क्या होता होगा? तो पानी कम रहेगा और इसी में हम लोग को 3-4 आदमी नहाता है रोज, 5 आदमी है तो 2-5 तो नहीं नहाएगा रोज, तो 3-4 आदमी नहाता है, एक बाकी रहता है फिर कल वाला नहाता है। उसके बाद में ये सिर्फ पानी है खाना बनाने के लिए, और पीने के लिए देखिए 20 रुपये वाला है, 20 रुपये का हम लोग पानी खरीदते हैं, देखिए इधर पानी है, सब खरीद के पीते हैं, पीने के लिए हम लोग खरीद के पीते हैं, और ये खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए इसमें रहता है बस। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितनी स्ट्रगल होती है, बस लोग कहते हैं भैया हम जा रहे हैं मुंबई कमाने, इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। अभी मैं इनसे पूछ रहा था भाई आप यहाँ पे मुंबई कैसे आए थे, जब ये अपनी कहानी बता रहे थे तो इनसे इन्हीं से पूछ लेते हैं इनकी कहानी के बारे में कि भैया ये मुंबई कैसे आए थे, इनकी जो कहानी है थोड़ा सा दोस्तों मुझे इंस्पायर कर रही थी। तो मैं पूछता हूँ भाई आप कैसे यहाँ पे आए थे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या? मुंबई तो मैं भाग के आया था, मैं मेरा घर बिहार हुआ। हाँ। और मैं बिहार से मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, तो वहाँ से मैं पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में सोचा कि नहीं पढ़ूंगा, पढ़ने का उतना दिल नहीं करता था, तो मैं 12th करके वहाँ से भाग गया मुंबई। और जब ये भाग के आए थे तो इनसे इनकी जर्नी के बारे में भी पूछते हैं भाई, जब ये भाग के आए थे तो ये रुके कहाँ थे, रहे मतलब रह कैसे रहे थे, और इनको अभी यहाँ पे काम कैसे मिला और क्या काम करते हैं, थोड़ा सा ये भी इनसे मैं इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूँ। तो भाई जब आप यहाँ पे भाग के आए थे पहली बार तो आप रुके कहाँ थे? देखिए जब मैं भाग के आया था मुंबई से तो मेरे पास में मात्रम 766 रुपया था, 766 रुपया सुन लो दोस्तों, 766 रुपया था इनके पास। फिर जिसमें मेरा मथुरा में ही चप्पल चोरी हो गया था, मथुरा में मैं था तो वहाँ से मेरा चप्पल चोरी हो गया, फिर बिना चप्पल कहीं आया, बिना टिकट कहीं आया था मुंबई में, और 766 रुपया था। तो मेरे पास कोई जानकारी का भी नहीं था मुंबई में से, मैं किसके साथ जाऊँ, किसके पास रहूँ, तो मैं सबसे पहले। और कितने दिन तक भाई आप गोरेगांव स्टेशन पे सोते थे और रहते थे एक बार बताना चाहेंगे? कम से कम 9-10 दिन मैं वहाँ पे सोया रहा, और फुटपाथ पे। मेरे पास में चद्दर था, एक पतला सा चद्दर था, आज नहीं है वो, जो मैं बताता हूँ चद्दर। अच्छा अच्छा। तो चद्दर था उसको ही ओढ़ कर सो जाता था रात में, और खाने के लिए मतलब ज़्यादा था कुछ पैसा से खा लेता था। कुछ दिन के बाद में मेरे पास मात्र 200 रुपया बचा, तो मेरे दिमाग खुला कि मैं अब कुछ काम करूँ, नहीं तो फिर कहाँ से खाऊँ। देख सकते हैं दोस्तों कि ये भाई साहब भाग के यहाँ पे आए थे और स्टेशन पे दोस्तों कम से कम ये 10 दिन तक सोए थे, और 10 दिन सोने के बाद फिर इनका दिमाग खुला कि भाई अब क्या करूँ, अब तो काम पकड़ना पड़ेगा। तो जो दोस्तों ये तो इनकी कहानी है मुंबई में, इस तरह से दोस्तों हजारों रोज कहानियाँ मिलती हैं, लाखों लोग दोस्तों यहाँ पर भाग के आते हैं मूवी में हीरो बनने के लिए या पिक्चर में काम करने के लिए, और इस तरह से
लोगों को लाइफ गुजारना पड़ता है। एक बंदे को दोस्तों मैं और जानता हूँ, वो मेरे साइड में रहता है, वो भी कुछ इसी तरह से भाग के आया था और वो दोस्तों यहाँ दरगाह पे सोता था। तो भाई साहब भी कुछ इसी तरह से कहानी इनकी थी, तो और मैं इनसे थोड़ा सा पूछता हूँ, अच्छा ठीक है जब ये वहाँ पे सोना शुरू कर दिए थे तो फिर इनको काम कैसे मिला? अभी ये शूटिंग वगैरह में काम करते हैं ये बता रहे थे, तो भाई अभी काम वगैरह कैसे? मैं क्या किया कि जैसे वहाँ पे सोता था और गाँव से मैं भागा था, तो ये सोच कर भागा था कि मैं जाऊँगा तो फिल्म लाइन में ही काम करूँगा, चाहे जो भी काम मिलेगा मैं करूँगा। अच्छा, तो आया मैं फिल्म लाइन में, तो आया तो पहले सबसे पहले लाइट में गया, तो मैं एक दो दिन लाइट में काम किया, 300-400 रुपया मिला। फिर उसके बाद में एक शूटिंग पे गया तो वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट से भेंट हो गया, तो मैं जूनियर आर्टिस्ट में 2-4 दिन गया और मेरे पास कपड़ा वपड़ा नहीं था जो था, तो इधर से 300-400 रुपया मिला था, तो मैं लोअर पैंट खरीदा था और एक टी शर्ट खरीदा था। तो जूनियर आर्टिस्ट में भी 2-3 दिन गया तो उधर से कैश पैसा मिल जाता था, 600 रुपया मिला कैश, तो मेरे पास कुछ बजट हो गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद जिसके पास लाइट वाला के पास काम किया था, तो मैं उसी को बोला कि भाई रख लो, मैं यहीं पर काम करूँगा, से हमको पैसा मत देना, खाली हमको रहने का व्यवस्था और खाने का व्यवस्था, खाने का। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से लोग मुंबई में भाग के आते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने सिर्फ आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर की है। देखिए आप भी मुंबई आते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप प्लानिंग के साथ आइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई जान और पहचान का नहीं है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर भाग के आ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों ये भाई साहब तो मुझे लग रहा है कुछ अच्छे कंडीशन में आ चुके हैं कि इनको काम मिल गया और इनको रहने के लिए रूम मिल गया, इनको कोई सही बंदा मिल गया। नहीं तो मेरे भाइयों यहाँ पे जिंदगियाँ सत्यानाश हो जाती हैं, तो कभी भी ऐसी गलती तो हम मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, किसी को भाग के मुंबई नहीं आना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं ओवरऑल इतना कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे तो भी ये भाग के आए थे, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए थे, इनको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिला, लेकिन दोस्तों क्या करते हैं वहाँ पे जो लाइट वगैरह का सेटअप होता है वो ये काम करते हैं। और इस तरह से दोस्तों छोटे से रूम में रहते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ छोटा सा रूम है, ये चारों तरफ ये किचन वगैरह है, ये गैस वगैरह इनकी रखी है। इस तरह से मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ बाथरूम दिखा दिया हूँ, ये भाई साहब खुद खड़े हैं, ये छोटे से प्यारे से सरस्वती माता जी हैं ना, सरस्वती माता जी हैं, इनका ये डेली दर्शन वगैरह करते हैं। और इस तरह से देख सकते हैं ये कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं। तो भाई मुंबई की लाइफ इतनी आसान नहीं है, ये लोग इस तरह से जो भाग के आते हैं। मैं छोटा सा दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, और इस तरह से दोस्तों मैं रूम का टूर करा रहा था कि इस तरह से रूम का होता है। और आपको तो पता है दोस्तों 80% लोग ऐसे डब्बा उठाते हैं, ये जो डब्बा आप दिख रहे हैं ना, ये डब्बा उठाते हैं और सीधा दोस्तों बाहर को जाते हैं। बाहर को मतलब बोले तो दोस्तों यहाँ पे पब्लिक शौचालय होता है, पब्लिक शौचालय में, तो इस तरह से दोस्तों ये जाते हैं वहाँ पे अपना, तो हाँ वो भी लाइन लगाना पड़ता है, ये हाँ लाइन लगाना पड़ता है। अगर भाई आपको जोर से लगी है ना तो हमें लग रहा है कहीं हाँ दूसरे जगह जाना पड़ेगा, और बहुतों का तो बाईपास भी हो जाता होगा। तो खैर ऐसी कुछ दोस्तों जिंदगी है। ये दोस्तों मैं आपको ये रूम दिखा दिया हूँ, ऐसे ही दोस्तों अमूमन हर जगह झोपड़पट्टियों का रूम होता है, लेकिन दोस्तों तो भी इसका कुछ कंडीशन मुझे ठीक दिख रहा है। बाकी दोस्तों मैं धरावी का भी रूम का टूर करने वाला हूँ, वो भी मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, फिलहाल वो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों दिखाऊंगा। और लेकिन ठीक है दोस्तों ओवरऑल अगर इनके रूम का मैं रिव्यू करूँ, ठीक है छोटा सा तो है, अब मुंबई में दोस्तों आपको छोटा सा ही मिलेगा, बड़े की तो उम्मीद बिल्कुल भी मत करिए। इस तरह से दोस्तों टाइल्स वगैरह भी अच्छे लगे हुए हैं, इधर भाई साहब बोर्ड वगैरह रखे हैं, तो इस तरह से। और ये भी दोस्तों एक छोटे से यूट्यूबर ही हैं, ये भी यूट्यूब वगैरह पे काम करते हैं, मतलब इनका शौक है कि ये भी यूट्यूब पे फेमस हो, वैसे मैं खुद नहीं फेमस हूँ मेरे भाइयों, लेकिन ये भाई साहब भी यूट्यूब पे काम करते हैं। इनका मैं चैनल का लिंक दे दूंगा, इनके जो चैनल का नाम है दोस्तों जय ब्लॉगर करके है, तो ये उस पर वीडियोज वगैरह डालते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे।